पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना, पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली, इतनी चीजें उस घर में हुई है, सहन करिए, मारा पीटा गला घोट घोट के मारे हैं उस घर में, तब से ये रिश्तेदार, मम्मी इस चीज को रिश्तेदार छोड़ो, उल्टी मेरे पे ही आ जाती है, मम्मी को नहीं पता ये बात की, अपने माँ बाप को नहीं पता, इतने सबके सामने बता रही हूँ, और इतने निभा के फिर भी बूढ़े माँ बाप के लिए मर रही थी मैं, वो बूढ़ा बाप है जो अपनी बहू पे गलत नजर डाल रहा है, इसकी नॉलेज में कोई चीज है ना, हमारे ठीक है ना, सुनो सीधी ये चीज ना, इसकी नॉलेज में ना, हमारी किसी नॉलेज में, मम्मी को पता है, तो किसी की मत, अंशु को होगा, लेकिन हम मम्मी को पता है, जब अंशु सपना का जो वीडियो आया है ना, उसमें उसमें हमें हमारे पूरे परिवार ने, इवन सबसे ज्यादा पता है, रितु की बोल रही हो ना, सबसे ज्यादा रितु ने इस चीज को सपोर्ट किया था, इस तरह का है, तो बिल्कुल और सुनो रितु दीदी को पता है, पता होना चाहिए, और सुनो खुशी दीदी को पता है, रितु दीदी को पता है, रिकॉर्डिंग सहित में दिखाई है ये चीजें, कहता है आजा यहाँ बैठ जा, गलत तरीके से हाथ लगाता है, सबको पता है ये चीजें, ये मत को नहीं पता, आप लोग आज भी आपको नहीं पता होगी, जब तुम्हारा जब वीडियो आया ना, तो रितु ने सबसे ज्यादा सपोर्ट तुमको ही दिया है कि सपना जो भाभी जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, और सपना भाभी अगर इस तरह का है तो सपना भाभी अपनी जगह सही है, ये बिल्कुल गलत है, उसकी नजर में कोई बात आई लड़की जभी तो सपना था, उसने वीडियो था इनसे पहले की अगर नॉलेज में होती है हमें नहीं पता, अब ये बता रही है, लेकिन वीडियो के बाद हम पता है, वीडियो में लगा हुआ ये बता रही है मौसी, आप तक नहीं खुली है मुझे, आप तो खुल के बता रही है, मैं तो आज तक ना पता, तो अब बता रही है आपको अपने जगह में कैसा लग रहा है, बिल्कुल गलत घोर वो है, इसका मतलब घोर कड़े शब्दों में क्या करते हैं, इसकी घोर कड़े शब्दों में क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, अंशु की बात करूं, अंशु क्यों आई उस दिन, इनसे बताई होगी, अंशु के फोन ऐसे बड़े बड़े हो गए, कैसी हो रही, ऐसी नजरों से देखता है, ऐसे लगता है लड़की भी ऐसे कपड़े पहने, अंशु ऐसी है भाई, ये जो गंदी गंदी बातें करता है वो खुद आके उसने मामी से बताई है चीजें, मुझे बताई है, पूछ लेना, सुनो मैं झूठ नहीं बोल रही, अपनी बच्ची की कसम खा रही हूँ, अपनी बच्ची से पूछना, बेटी मेरे हाथ पे कसम रख के बता दे, ये चीज तेरे साथ हुई है या भाभी के साथ गलत हुई है, ये चीज बस एक बार पूछ लेना, एक लड़की होने के नाते अगर बेटी भी आपकी तो बेटी पूछ रही हूँ, मेरी दूसरे की बेटी लाके मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बेटी है, धर्म की बेटी है, वो धर्म की बेटी है, सही बात है, वो धर्म की बेटी है जो उसको लेके आ रहे हैं हम, बिल्कुल अंशु मेरे होटो में कुछ चीजें, कौन सी गुड नाइट होती है होटो में कुछ चीज, जिस तरह उनकी जब राजबीर जी का तब की बात है ये, और मेरे कहते हैं यहाँ कुछ चीजें पैसे छाती तक घूंघट कर ले, जब आपके मोनू तक लड़ाई हुई है कि वैसे तो तुम बिंदे बहू के पुच्छी लंगे, अब तुम्हें छाती तक घूंघट चाहिए, जब अपनी बहन से पूछो ना, कसम रख के प्यार करती हूँ तो वो आपसे जिस इंसान से भी करती है अपना झूठा लांछन लगा रही है, और मम्मी खुद गालियां देती है, वो भी रिकॉर्डिंग है, जब बंजा वाकर मजन वो बन जा जे बन जा, जब ऐसे करती है घर से नरक में जितनी मेहनत चाहिए ना, तो मानवी बेटी है दोनों की, जब बोलना की बेटी कैसी जिंदगी जीती है लड़कियां, पेट में बच्ची छह महीने की, तो जो तू बता रही है हमें, जो बात बता रही है कि हमें आज पता चल रही है, हम तो ईमानदार होते हैं, हमें बताओ खुशी दीदी क्या स्थिति पे निकल नहीं करती, लेकिन उन्होंने कभी हमें नहीं, लेकिन इसने हम तो ना बता दिया कब से, पर निकल गया स्थिति पे, इन चीजों को हम तो आज तक कोई ने जिक्र नहीं किया, तेरा बता यार कह रही है तुम्हारे सामने, हमारी बेटी बताती है, कौन सी लड़की अपने बाप से बताएगी, जिस चीज से आप ये बात बोल के सुन ना, बताओ को तो मालूम ना, तो हमें भी नहीं, हमारी बेटियों ने भी हमें भी आज तक कुछ जिक्र नहीं, तुम अपने बेटी से पूछो, तुम अपन ही थे बाय पता कौन चीज़ है, और एक एक चीज की पता है दीदी से, हमने तो जब ये जो वीडियो डाला है ना उसमें पता लगा है कि भाई इस तरह का मार पीट नहीं, तो वीडियो नहीं, इसमें इसको बोला इसको बोला ना तुमने जेपी को, जब तुम मिलने गई हो तब ये बात है, इसको बोली है ना जेपी को, इसने एक दिन मुझे इसने बताया, तो मैं बोला भाई जेपी ये बहुत गलत बात है, तो आप लोगों ने भी सुना होगा मसा जी बोल रहे हैं कि जब अंशु के पापा को मैंने ये वाली बात बताई थी,
सपना जी एक के बाद एक बहुत सारे शॉकिंग बातें बताती जा रही हैं। मुश्किल हो रहा है यकीन करना क्या ये सच है या झूठ है, लेकिन हाँ कलयुग है, कलयुग में तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, तो यहाँ पे एक के बाद एक सपना अपने ससुराल वालों पे एलिगेशंस लगाती चली आ रही है। वहाँ से अंशु का भी कहना है कि अगर ये उनका जो भी उनके जो वो एलिगेशन लगा रही हैं कि उनका रॉड चैनल अंशु के पास है या कोई और गायब हो गया बीच में, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाती, पुलिस का हेल्प क्यों नहीं लेती। तो अंशु भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। और इस वीडियो में बार बार सपना अंशु को प्रोवोक कर रही हैं कि वो आके रिप्लाई दे। इनका कहना है कि इनके ससुर जो अंशु के फूफा लगते हैं रिश्ते में, वो अंशु पे भी बुरी नज़र रखते थे। तो आज तक अगर अंशु के साथ ऐसा होता, अगर अपने अंशु अपने घर वालों को बताती, सपना ये भी बोल रही है कि उस अंशु ने अपनी मम्मी को बताया था, मतलब मामी जी को बताया था, तो अगर अंशु ने बताया था तो इसके माँ बाप फिर भी इसकी अपनी बेटी को एक ऐसे घर में रख रहे थे जहाँ पे दो लड़के भी नहीं है, मतलब कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, ना अंशु को प्रोटेक्ट करने वाला है, ना सपना को प्रोटेक्ट करने वाला है। तो उनको तो कायदे से अपनी बेटी को वापस बुला लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो कंटिन्यूसली उसको रखे जा रहे थे। फिर जब एकदम पता नहीं इन लोगों में एकदम एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो गई, तब जाके अंशु को उन लोगों ने गाँव भेजा है ना, उनसे उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता करे बिना उसको गाँव भेज दिया। तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर यकीन करें और किस पर यकीन ना करें। और क्या है, एक्चुअली सपना के सास ससुर का कोई चैनल नहीं है, तो वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं, और एक तरफा बात समझ में नहीं आती। हालांकि सपना के पास हर एक बात का प्रूफ है, और आप लोग पता ही है जहाँ पे प्रूफ हो तो वहाँ पे तो अच्छे अच्छों को मानना पड़ता है कि सपना सच बोल रही है। तो अभी देखने में तो यही लग रहा है कि सपना का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन मैं अगर सपना की जगह होती और मेरे साथ कुछ ऐसा होता, तो मैं तो कभी भी उस घर में दोबारा शादी ना करती। सपना ने पता नहीं कैसे अपने आप को मनाया, या उनको राजवीर जी पे पूरा भरोसा था कि राजवीर जी उनको पूरा सम्मान देंगे, प्यार देंगे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को नाम के चलो शादी कर ली थी। लेकिन उसके बाद भी यह अलग हो सकती थी, और राजवीर जी के जाने के बाद तो इनको बिल्कुल अपने पेरेंट्स के पास आ जाना चाहिए था। ये इतना खुद में भी ये अर्न करती है कि ये सेपरेट कहीं भी आके रह सकती थी, पर यह अब तक इतनी चुप थी, मुझे ये समझ में नहीं आया। और तो फिलहाल सोशल मीडिया में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, सपना और उनके ससुराल वालों का, शिवी का, अंशु का, सबका आपस में ही वो ये भी कह रही है कि उन्हें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, सुकून से आप लोग रहो और उसको भी सुकून से अपनी दोनों बच्चियों के साथ जीने दो। तो मेरे ख्याल से लोगों को उनकी जो इन बातों का अप्रिशिएट करना चाहिए, स्पेशली उनके ससुराल वालों को, और अंशु को बिल्कुल वीडियो बनाना चाहिए और सच्चाई बताना चाहिए कि जो भी कुछ सपना कह रही, क्योंकि इसमें अंशु की भी इज्जत की बात है भाई, कि अगर आपके फूफा जी आपको इतना तंग कर रहे थे, आपके ऊपर गंदी नज़र रख रहे थे, तो आप इतने दिन से उस घर में क्यों रह रही थी। आपके पास भी भगवान की दया से बहुत बड़ा गाँव में मकान है, और ऐसा बिल्कुल गलत बात है कि गाँव वाले पढ़ते नहीं है, गाँव में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, सबसे ज़्यादा गाँव वाले ही पढ़ते हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अंशु को बिल्कुल सामने आके वीडियो बनाकर अपनी बात रखनी चाहिए। सपना ने जो भी अपने ससुर पे एलिगेशन लगाया है वो कितना सच है कितना झूठ है वो बताना चाहिए, और इनके ससुराल वालों को भी जो इनके नेबर आ जाते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, उनके चैनल के माध्यम से ही लोगों को सच बताना चाहिए, है ना। और अब सपना को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लीगल एक्शन तो बनता है, क्योंकि वो एक औरत है, दो बच्चियां हैं उनकी, अकेले हैं, सिंगल मदर हैं, और उनको ये सब सहना पड़ रहा है अकेले उनके घर वालों को। हालांकि उनके पेरेंट्स और भाई की उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बट अब सपना को किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भी नहीं, क्योंकि हमने देखा है वो अंशु को कितना प्यार करती थी, दिल से लगा के रखती थी एक अपनी बेटी ऐसे। अंशु ने भी सेम टाइम पे, सॉरी मेरे मुंह से अंशु निकल रहा था, अंशु ने भी सेम टाइम पे सपना को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था।
तो दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, किसी को भी कम नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल से दोनों भी एक साथ बैठ के फ़ोन पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लोग बड़ा तमाशा लेते हैं जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो इसमें तो सभी लोग को मज़ा आता है। और यह तो सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया पर सबको एक कंटेंट मिल जाता है, सब लोग मज़े ले लेके उसको बताते हैं, सबके चैनल चल रहे हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।